वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अगेन आई एम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का और भी क्वेश्चन, मींस नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो रेगुलरली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सो आप लोग थोड़ा सा सीरियसली ध्यान दीजिए और पढ़िए। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इट इज बेस्ड ऑन पैरेलल, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है। देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेके आऊँ, और प्रीवियस ईयर ही बेसिकली अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी लगभग स्टूडेंट्स भी खुद से भी कर लेते हैं या टीचर से भी थोड़ा कंसल्ट कर लेते हैं बेसिकली। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक और टाइप है ये, तो आइए जानते हैं आज के क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आइए लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है क्या, अ हॉरिजॉन्टल वायर ए बी ऑफ लेंथ एल दे रखा है, मींस एक हॉरिजॉन्टल वायर है। सो हॉरिजॉन्टल का मतलब आपको पता है हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वो प्लेस्ड है। तो आइए जानते हैं। सो देखो क्या दे रखा है, गिवन, जैसे हम लोग सबसे पहले करते हैं प्रोसीड करते हैं विद द गिवन, फिर उसके बाद टू फाइंड आउट क्या करना है, फॉर्मूला क्या है और कैलकुलेशन क्या है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप जब आप स्टेप वाइज करते हो तो मार्क्स भी आपको स्टेप वाइज प्रॉपरली अलॉट हो जाते हैं, मीन्स एक मेकअप बन जाता है एग्जामिनर का, चक्कर का, जो भी चेक करना चाह रहा है चेक करता है वो एग्जाम में बोर्ड में। सो बेसिकली वो भी क्या रहता है, उसको ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता है, पेपर कॉपी सामने चीज़ें सारी फॉर्मेट में रहती हैं, तो वो नंबर भी गेनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। सो देखो क्या दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हॉरिजॉन्टल वायर ए बी ऑफ लेंथ एल दे रखा है, एक वायर दे रखा है जो कि हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, आप कह सकते हो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल वायर, इसका नेम भी दे रखा है लेट इट बी ए, ए बी मींस एक एंड ए दे दिया, एक एंड बी दे दिया, और लेंथ भी दे रखा है जो कि है हमारा एल, लेंथ भी दे रखा है जो कि हमारा एल। आगे बढ़ते हैं, मास एम कैरीज स्ट्रेंथ स्टेडी करंट आई वन, मींस इसका मास भी है, इस वायर का एक मास है, मींस जो कि दे रखा है हमारा मास हो गया हमारा, अलग से लिख लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। ओके नेक्स्ट, सो मास दे रखा है, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि एक और वायर भी इन्वॉल्व है, मास दे रखा है एम, लेंथ ऑफ द वायर दे रखा है, लेंथ ऑफ द वायर है, वायर ए बी का जो लेंथ है वह है हमारा एल, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, मास एम कैरिंग ए स्टेडी करंट आई वन, इसका जो करंट है इसके अंदर एक करंट इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व है जो कि है हमारा आई वन। आगे बढ़ते हैं, फ्री टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन इज इन इक्विलिब्रियम एट ए हाइट ऑफ एच और अनदर पैरेलल लॉन्ग वायर, मींस देखो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ए बी ले लिया, लेंथ भी ले लिया, मास भी ले लिया, एक स्टेडी करंट इन्वॉल्व है। स्टेडी करंट क्या होता है, जो जिसकी वैल्यू क्या है, स्टेडी होती है प्रॉपरली, एक स्टेडी वे में ग्राफिकली इंक्रीज होती है, लीनियरली इंक्रीज होती है, वही हमारा स्टेडी करंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, फ्री टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन, फ्री है मूव करने के लिए जो वायर है हमारा, और इज इन इक्विलिब्रियम एट ए हाइट ऑफ एच, जो कि है वर्टिकल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन में उसके मींस इसके जो वर्टिकली जो है वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक और वायर यहाँ पे दे रखा है, इज इन इक्विलिब्रियम विद ए हाइट ऑफ एच, और कितने हाइट पे है दूसरे वायर के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट में, वो है एच हाइट पे, और अनदर हाइट एच दे रखा है, वर्टिकल प्लेन इन्वॉल्व है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मींस दोनों के अंदर जो वैल्यू होगी, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे, वो इक्वल होंगे, एक ही स्टेट में होंगे, एक ही फ्लो के साथ फ्लो कर रहे होंगे, और अनदर पैरेलल लॉन्ग वायर दैट इज सी कैरिंग स्टेडी करंट, कैरिंग स्टेडी करंट जिसके अंदर करंट क्या है आई टू, कौन सी करंट है, पहले वाले में क्या था आई वन, आई वन करंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो करंट इन्वॉल्व है वो है आई टू, तो यहाँ पे करंट जो हो जाएगा इन्वॉल्व आई टू हो जाएगा, और ये थोड़ा सा वर्टिकली मींस डोंट बी कंफ्यूज, ये भी हॉरिजॉन्टल में पाथ में रखा हुआ है, वर्टिकली जैसे आप देख सकते हो जनरली हमारे पोल्स पे जो वायर्स कनेक्टेड होते हैं वो पैरेलली होते हैं एक दूसरे के, थ्री फेज हुआ, टू फेज हुआ, वैसे थ्री फेज ज्यादातर यूज होता है, और यू नो दैट वन सिंगल फेज हुआ, सर डबल फेज हुआ और थ्री फेज हुआ इन द सेम सेंस। सो देखो क्या है, वो एक पर्टिकुलर सर्टेन हाइट पे होते हैं जो हमारे घरों के आसपास होते हैं पोल्स पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अदर या which is the fixed, which is fixed in a horizontal plane as shown. So basically ऐसे डायग्राम है, डायग्राम हो सकता है दिया भी हो या कोई डायग्राम आपको बनाने के लिए कहेगा, एक पर्टिकुलर प्लेन में ये चीज दे रखी। आगे बढ़ते हैं, सो दे रखा है क्या,
और भी चीजें दे रखी है, द हाइट इज इन्वॉल्व, हाइट, और यू कैन से दैट गैप ना, गैप बिटवीन, जो चीजें एज इट इज जो आपको आप अंडरस्टैंड करो वो चीजें आप पे राइट करते रहोगे, डोंट बी कंफ्यूज कि कुछ और भी राइट करना है, क्या राइट करना है, क्या नहीं राइट करना है, अपने लैंग्वेज में प्रॉब्लम है राइट करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जनरली वे में हाइट और गैप बिटवीन द वायर्स क्या हो जाएगा हमारा, एच इज एच दे रखा है, बिटवीन द वायर्स एच बी एच, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन ए बी, इन ए बी वायर, अब वायर ए बी कह सकते हो जाएगा, आई वन इन्वॉल्व है यहाँ पे देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक करंट जो इन्वॉल्व है सीडी मीन्स, इसका भी नेमिंग दे रखा है, सीडी दे रखा है वहां पे देख सकते हो आप, सो इसके एंड से हमारा सीडी, सीडी में जो इन्वॉल्व है, सीडी वायर जो इन्वॉल्व है वो हो जाएगा हमारा आई टू। आगे बढ़ते हैं और क्या देखा, विच इज बस इतनी चीजें दे रखी है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा। हाँ लेंथ, हाँ डिफाइन कर दिया, सो सारी चीजें हो गई। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पर यूनिट लेंथ, मींस फोर्स पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ, एक एक यूनिट लेंथ पे, वायर के एक एक यूनिट लेंथ पे, ए बी वायर की बात कर रहा है, तो ए बी वायर से हमें लेना देना है, मींस F1 विद रेस्पेक्ट टू, F1 फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू मींस पूरा जो वायर है उसके एक एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड राइट द कंडीशन फॉर विच द ए बी इज इन इक्विलिब्रियम, एक ऐसा कंडीशन है जहां पे ए बी का जो वायर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा, मींस इक्विलिब्रियम स्टेट में मींस वो उसके अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेडी वे में होंगे और एक इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे, जिसके वजह से क्या होगा दोनों के वायर विद रेस्पेक्ट टू द नेक्स्ट वायर दैट इज सीडी। सो आइए जानते हैं, लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट क्या करना है, वो राइट कर देंगे यहाँ पे सेक्स हमारे हेडिंग में, जो कि हो जाएगा हमारा टू फाइंड आउट, क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बाई एल कह सकते हो, एफ एन बाई एल फाइंड आउट करना है, बी भी फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का भी इन्वॉल्वमेंट बिकॉज एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा होता है, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, और ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होगा, कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू, फॉर्मूला राइट कर लेते हैं, फॉर्मूला जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा डिराइव कर रहा है तो एक सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन ही है ये, और कुछ तो नहीं दे रखा आई थिंक, और कुछ नहीं दे रखा है, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन द विद ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड बाय द करंट आई टू, सो लेट्स कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला वही है जो यू कैन सी दैट, और तो डेरिवेशन ही है, लेट्स आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है मीन, और हाँ ठीक है लेट्स कंटिन्यू, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला डेरिवेशन टाइप का, तो फॉर्मूला का सेक्शन यू कैन सी दैट कैलकुलेशन में इंक्लूड कर देंगे, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टडी दैट इज कैलकुलेशन, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है नेक्स्ट। सो कैलकुलेशन में देखो क्या होगा मैडी स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी में जो मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है सी डी की वजह से, सो आइए जानते हैं तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो इन्वॉल्व होगा सेकेंड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, ए बी पे होगा। सो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी टू फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज जो फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्शन होगा, जो जिसके वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगा या इंडक्शन कह सकते हो मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, सो यू कैन से दैट इसके इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जनरेट हो रही है सी डी में, उसके वजह से जो ए बी में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा दैट इज आई वन। सो फोर्स भी जो एक्ट करेगा, एफ वन जो एक्ट करेगा विद रेस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द वायर, वो किसके वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होगी वो पी टू होगी। आइए जानते हैं, सो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी वायर या वायर सी डी, सेंटेंस प्रॉपरली राइटिंग, वायर सी डी ऑन एक्टिंग ऑन, एक्टिंग ऑन वायर ए बी हो जाएगा हमारा, इज गिवन बाय बी टू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टू बाय टू पाई एच, टू पाई एच हो जाएगा, आर क्या है वही मतलब आर ही है, आर की जगह पे एच ले लिया यहाँ पे, जो डिस्टेंस एक्ट कर रहा है
ये हो जाएगा लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन। आगे बढ़ते हैं, लेट अस कंटिन्यू नाउ। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, मेन है जो हमारी चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है, एफ एन बाई एल फाइंड आउट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी। सो आइए लेट अस कंटिन्यू कैसे करेंगे। होप सो बेटी स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा डोंट वरी अबाउट दैट, मींस यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, ये नहीं है। ठीक है ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। बी टू हो गया नाउ, फोर्स पर फोर्स एक्टिंग, जो लाइन क्वेश्चन में दे रखा है वही लाइन आप यूज कर सकते हो, डोंट बी कंफ्यूज कि सर हम लोग इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं या सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं ऑन द वायर। अक्सर आप लोग गलती करते हो कि थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं ऐड करते हो न्यूमेरिकल में, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है उसको भी ऐड करने से मीन्स प्रॉपर फुल मार्क्स गेन करने के चांसेस रहते हैं। अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन कर लेते हो तो आप फुल मार्क्स नहीं गेन करोगे, मीन्स 3 मार्क्स का है 5 मार्क्स का है तो यू विल गेन 3-4 मैक्स टू मैक्स। सो लेट्स कंटिन्यू, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर ए बी इज गिवन बाय इज, बस ठीक है ज्यादा लंबा हो जा रहा है तो ए बी, तो एफ वन बाई एल हो जाएगा। एफ वन क्या होगा, जो फॉर्मूला जो इन्वॉल्व है, म्यू नॉट means bill sin theta, तो b2 i1 l sin theta, हाँ sin theta bill sin theta हो जाएगा। अब यहाँ पे theta क्या है, according to the diagram theta की value यहाँ पे 90 degree हो जाएगी, so f1 l b2 into i1 into L into sin 90 जो कि होता है मैक्सिमम वैल्यू जो कि हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट स्टेप में राइट कर लेते हैं, F1 by L is equals to B2 into I1 into L। अब B2 की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने डिराइव करी थी वो उठा करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे, then we'll get the expression F1 is equals to L को भी तो लेके चले जाओ because it is dividing LHS side में, right side में जाकर के RHS में जाकर के क्या करेगा, एक ऑलरेडी एल इन्वॉल्व तो है, आई थिंक ऑलरेडी फॉर्मूले में एल इन्वॉल्व है, यस ठीक है, हाँ डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो डोंट वरी अबाउट दैट, बोथ द साइड इट विल बी अप्लाइड, तो एफ वन बाई एल पूरे का बाई एल हो जाएगा, बाई एल मीन्स ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू, तो F1 इक्वल टू जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा B2 की जगह पे म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई H इनटू I1 इनटू L। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू फास्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दे रखा है, F1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 बाय I1 into I2, properly कर लेते हैं L by L, तो cancel हो गया, cancel हो गया ये वाला, यहाँ पे L involved है ही नहीं यार, we not I1 I2 by 2 pi H, ये हो गया हमारा required equation या F1 by L की value आ गई, ये सीधा सीधा F1 by F1 by L रखे रहो, don't worry about that, equation number, इसको मान लो equation number 2, इसको मान लीजिए आप equation number, तो आगे हमारे mu naught I1 I2 by 2 pi H। Next let's talk about for equilibrium state, देखो condition क्या हो जाएगी, yes let's talk about for equilibrium conditions, तो एक expression हमारा आ गया, एक part हमने find out कर लिया इसके अंदर force per unit length, अब बात करेंगे हम लोग equilibrium state के बारे में, so let us see what is the condition of equilibrium, equilibrium का equilibrium condition, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा ये जाते हैं, ओके नेक्स्ट एफ वर्क, यस वर्क सॉरी वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इन्वॉल्व इन द वायर, मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व इन ए बी, डब्ल्यू आर टी शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहा हूं मैं विथ रेस्पेक्ट टू सी डी, तो क्या हो जाएगा ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो लेट अस कंटिन्यू, व्हाट इज द वेट
वेट के फॉर्मूला क्या होता है मैडम स्टूडेंट्स, इन द टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी होता है। सो आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा हमारा एम जी, और बात कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू द यूनिट लेंथ, तो हो जाएगा एम जी बाई एल। और जो अभी हम लोगों का जो एक्सप्रेशन आया था, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, मैग्नेटिक फोर्स जो इन्वॉल्व था वो क्या था, मैग्नेटिक फोर्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, यू कैन से दैट। तो जो अभी हमारा एक्सप्रेशन आया था एफ वन बाई एल जो एक हो जाएगा, मीन्स ये एफ वन बाई एल के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा एक्सप्रेशन आया था म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू बाई एच। यस, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कह सकते हो आप पर यूनिट लेंथ, फील्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेट बाय पर यूनिट लेंथ एलएचएस इन्वॉल्व है, तो आरएचएस में भी पर यूनिट लेंथ होना चाहिए ना, मींस ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड आपने प्लेस कर दिया, एक्चुअली दोनों में इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होगी विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ही होगी इन द टर्म्स ऑफ एबी एंड सीडी एज वेल। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, और दस दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट योर इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो होप सो माय डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा, जो भी नहीं समझ में आया होगा यू कैन कमेंट इन द सेक्शन, एंड thank you for the watching, very good evening.